तो देखिए, एक तरफ पूरा देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और साथ ही लोगों के मन में तीसरी लहर आने का खतरा भी है, उन्हें डर भी लग रहा है क्योंकि तीसरी लहर में सबसे बड़ी चुनौती होगी बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आपको बच्चों को कोरोना का खतरा हो सकता है, आपके बच्चों को भी, लेकिन अब एक हैरान करने वाली बात सामने आई है और वो ये कि खतरा आपके बच्चों को ही नहीं बल्कि आपको भी अपने बच्चों की वजह से हो सकता है। बच्चों से भी कोरोना संक्रमण फैल सकता है, बच्चे अगर संक्रमित हैं तो वो दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। दरअसल नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि बच्चों से और बच्चों में भी कोरोना संक्रमण फैल सकता है। उनके मुताबिक बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण कम है लेकिन उनसे इन्फेक्शन से बचाना उन्हें बहुत जरूरी है। डॉक्टर पॉल का यह भी कहना है कि ज्यादातर बच्चों में कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स हैं, जबकि संक्रमण से 3-4% बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी हालत गंभीर भी होती है। उन्होंने बच्चों से कोरोना नियमों का पालन करवाने की अपील की लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस सावधान हो जाने की। और इसीलिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है जो आपकी परेशानियों का हल आपके सामने रखेंगे, आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब भी आप तक पहुँचाएंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ, देखिए डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ गीतांजलि शर्मा जो कि मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपसे सवाल लूंगी क्योंकि सवाल बच्चों का है, बच्चों को लेकर डर लोगों के मन में शुरू से बना हुआ है और अब डॉक्टर वीके पॉल की जिस तरीके से ये बात सामने आई है उसके बाद तो सवाल और डर और भी ज्यादा है। तो तीसरी लहर का डर सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों को बचाना है और तीसरी लहर से पहले तमाम इंतजाम करने हैं, साथ ही आप लोगों को भी समझना है कि आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन सीरो सर्वे में जिस तरह से चीजें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और उनसे दूसरों को भी उतना ही खतरा है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, शुरुआत में डॉक्टर नीलम शर्मा आप ही के साथ कर लेती हूँ। बच्चों में कोरोना, बच्चों से कोरोना, डॉक्टर नीलम मोहन है हमारे साथ, कैसे समझाएंगे डॉक्टर नीलम आप इसे? सिंपल, बच्चे एक दूसरे को मिलते हैं जिस तरीके से बड़े एक तरीके को मिलते हैं। इनफैक्ट वेव वन में अगर याद होगा तो हम बच्चों को सुपर स्प्रेडर का नाम दिए थे। वो इसलिए दिए थे क्योंकि वेव वन में बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे और जब वो एसिम्प्टोमेटिक थे लेकिन वो दूसरों को मिलते थे, एक्सपेशली घर के बड़े लोग जैसे नाना नानी, दादा दादी, पेरेंट्स, अंकल्स, तो वो इस तरीके से खुद तो एसिम्प्टोमेटिक थे और बोध को फैला देते थे। तो दैट इज़ वाई इनफैक्ट शुरू शुरू में हम बच्चों को सुपर स्प्रेडर्स भी कहते हैं। और बच्चे जब एक दूसरे को मिलते हैं तो वो अधिकतर ज़्यादा गले मिलना, बच्चों को आदत होती थी कि इकट्ठे जल्दी हो जाना एक दूसरे के साथ, तो इस तरीके से बच्चे एक दूसरे को देते हैं और बड़ों को देते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन आपका कि बच्चों को कैसे हो, जिस तरीके से ये वायरस बड़ों को इफेक्ट करती है उसी तरीके से बच्चों को भी इफेक्ट करती है। वेव टू में GI सिम्टम्स जिसमें वॉमिटिंग, डायरिया, पेट दर्द, सबसे ज़्यादा ये 40% बच्चों में अब ये देखा गया, जो पहली वेव में यूजुअली हम जुकाम, खांसी, गला दर्द बता रहे थे। तो ये समझना है क्योंकि पेरेंट्स को समझ नहीं आया कि पेट दर्द और उल्टी दस्त क्या ये कोरोना के संक्रमण है, भूख नहीं लगना, तो वो ये नहीं समझ पाए जो आप समझा रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं देखने के लिए। एंड जो बच्चों में सीवियरिटी हम कह रहे हैं कम है, लेकिन अगर आप सोचें कि मैं कह रही हूँ बड़ों के लिए हम कहते हैं 15% सीवियर हो जाएंगे, 5%, 10% एडमिशन होंगे, अगर मैं मानूं कि 1% भी बच्चा एडमिट होगा तो भी ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है जिसके लिए हमें सावधान होना होगा। बिकॉज अगर आप पॉपुलेशन देखें तो 35 करोड़ 14 साल से कम है, तो ये 35 करोड़ में अगर इस टाइम में पॉजिटिविटी रेट जिस तरीके से दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट क्लोज टू 50% गई थी जो टेस्टिंग हुई, और गुड़गांव की पॉजिटिव रेट 60% तक गई, तो जब पॉजिटिविटी रेट हाई है मतलब जितनों को आप चेक कर रहे हैं उससे 50% 60% पॉजिटिव चल रहे थे, तो उसके आंकड़े में बच्चों का 1% सीरियस होना या 0.1% को ICU की ज़रूरत पड़े या 0.01% को भी पड़े,
तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए एक्सपर्ट्स और जैसे पीएमजी ने भी कहा कि अब हमें हर स्टेट वाइज और नेशनल वाइज तैयारी करनी है। हम तैयारी में फेल हुए ये मुबारक बात है, ये पहली बार होगा जब हम फेल होके बहुत खुश होंगे, लेकिन तैयारी नहीं करें इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं होगी। जैसे कहते हैं वाइस मैन लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, तो जो अदर्स एक्सपीरियंस है यूरोप से वो हमें सिखाया कि और कम से कम अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं, जो चिंता आप भी जता रही हैं कि तीसरी लहर से पहले कम से कम इस बार हम पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करें। डॉक्टर एमसी मिश्रा, आप इसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो बच्चों को बचाते बचाते जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि बच्चे सिम्टोमेटिक हैं, खुद का भी उतना ही ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें थोड़ा सकारात्मक सोच रखता हूँ, मैं इतना निगेटिव नहीं सोचता, क्योंकि बच्चे तो जो हमारा पहली लहर थी उसमें भी हमारे साथ थे और दूसरी लहर में भी पूरे समय हमारे साथ रहे हैं, परिवारों के साथ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस संक्रमण ने दूसरी लहर में वयस्कों को अफेक्ट किया है, असर डाला है, बच्चों में अच्छी बात यह है कि उस तरह का असर देखने में नहीं आया। अगर आप तुलना करें तो यूएसए की फिगर्स रही हैं पिछले वर्ष 8.5% बच्चों में संक्रमण हुआ, लेकिन गंभीर नहीं हुआ अधिकतर बच्चों में। भारत में अगर हम देखें तो पहली लहर में हमारे यहाँ 4.2% बच्चों में हुआ संक्रमण, इस वाली लहर में वही बढ़ के हो गया करीब 6%, 5.86% हुआ, और शायद और थोड़ा बढ़ गया हो क्योंकि ये आंकड़े थे पहली मार्च से लेके 10 अप्रैल तक के। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने लोगों से भी मैंने बात की है, पीडियाट्रिशियन से, सब ने यही कहा कि साहब बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं आए, हाँ एक एक दो दो कोई आए और वो ठीक होके घर चले गए। तीसरी बात मैं कहूँगा, अगर ये GI सिम्टम्स चाहे बड़ों में हो और चाहे बच्चों में, ये अच्छी खबर होती है कोरोना के मामले में। जब हम देखते हैं पाचन तंत्र हमारा अफेक्ट हुआ है इस वायरस में, वो उसमें डिजीज़ हम माइल्ड होती है और ज़्यादातर लोग बिना किसी दिक्कत के रिकवर कर जाते हैं। जो समस्या बड़ों में आई है, वयस्कों में आई है, वो लंग की आई है, और जितनी भी मृत्यु हुई हैं वो लंग की वजह से हुई है। अगर लंग जिसके नहीं माइल्ड रह गए वो सब बच गए, मॉडरेट हो गए वो भी ज़्यादातर बच गए, जो सीवियर लंग निमोनिया हुआ है अधिकतर उसमें। अब आपने देखा हरियाणा में जब स्कूल कॉलेज खुले थे एकदम से करीब 100,000 बच्चों में हो गया, फिर इसी तरह से USA में जब फ्लोरिडा में स्कूल्स खुले तो 97,000 बच्चों में हो गया संक्रमण स्कूल के, लेकिन कोई ऐसी उसमें हाय तौबा नहीं हुई और बच्चे निकल आए। अब अच्छी बात ये होगी आने वाले समय में कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी आने वाले 3 महीनों में, और बड़े अपना अगर टीकाकरण अभियान में शामिल हो जाएंगे, प्रोत्साहित हम लोग कर ही रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं सबको प्रोत्साहित कि टीकाकरण जैसे जैसे मिलता जाए लगवाते जाए। 19.5 करोड़ टीकाकरण के दायरे में आ गए हैं भारत में, एक एक डोज तो कम से कम करीब 13 करोड़ लोगों को मिल गई है, बाकी लोगों को 2-2 डोज भी मिल गई हैं, तो ये हम अब अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी वेव के बारे में मेरा कहना ये है कि ये वेग है कि कब आएगी और किस फॉर्म में आएगी, कैसे आएगी, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, बड़े होंगे, बच्चे होंगे, ये कोई ज्योतिषी का प्रश्न है, लेकिन ज्योतिषी आपको पता ही है कि इसमें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ हमें तैयारी जैसे हमें हम तैयारी कहते हैं कहावत है कि वी स्वेट इन पीस देन वी डोंट ब्लीड इन वॉर, तो वो अगर प्रिंसिपल हम आर्मी का लेके चलेंगे तो अच्छी अवस्था में रहेंगे। वही बात हम कर रहे थे ना कि हमें तैयार रहना होगा इस बार पूरी तरीके से तीसरी लहर को लेकर, और वो तैयारियां की भी जा रही हैं। डॉक्टर गीतांजलि शर्मा भी मेरे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं वो। डॉक्टर गीतांजलि, सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों को लेकर यही होती है कि उन्हें कोई भी बात समझाई कैसे जाए, उनके मन में वो बिठाया कैसे जाए ताकि वो डरे बिना और उस बात को समझ भी सके, क्योंकि बच्चे एसिम्प्टोमैटिक हैं तो खतरा और लोगों को उनसे हो सकता है संक्रमित होने का। श्रीन, बहुत अच्छा सवाल है,
क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन के बीच में सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे, बच्चों में हम अच्छी हैबिट्स कैसे इंकलकेट करें, रीइंफोर्स करें और सुपरवाइज करें, बच्चों को हम ऐसी इंफॉर्मेशन से कैसे बचाएं जो अनफिल्टर्ड जा रही है उनके पास, जिसके कारण उनके अंदर मिसकंसेप्शंस भी हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं, मिसइंटरप्रिटेशंस भी हो रहे हैं, ताकि बच्चों को एक सही इंफॉर्मेशन मिले, सही हैबिट्स मिले। हम सब इस चैलेंजिंग टाइम में हैं, जितना हम अनसर्टेन हैं, इनसिक्योर हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उतने ही बच्चे भी हैं। बच्चे शायद ज़्यादा हैं क्योंकि पहले हमें ये समझना है उनकी इस समय साइकी क्या है। वो सैड हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, फ्रेंड से मिल नहीं सकते, कोई इवेंट्स नहीं हो रहे, तो हमें उनके साथ एम्पेथाइज करना है। सबसे पहले पेरेंट्स का उनकी तरफ जो झुकाव है वो ऐसा होना चाहिए, या जो भी डायलॉग है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें लव, अफेक्शन, कंपैशन और एम्पैथी झलके, ताकि वो बच्चे को समझ रहे हैं और डायलॉग के साथ उनसे बात करें। इस तरीके से ना सोचें कि आप पेरेंट हैं और बच्चों को आपकी बात फॉलो करनी है। बच्चे आजकल बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, पर हमें उन्हें समझाने का तरीका आना चाहिए ताकि वो उस चीज को आगे इम्प्लीमेंट करें। बच्चों के साथ लॉजिकल होना, डिटेल में उन्हें एक्सप्लेन करना, साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों में अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर रहे हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, हम तीन चीजों की बात करते हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश। अब मास्क पहनना अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, या वो समझ रहा है तो याद नहीं रख पा रहा, राइट, क्योंकि बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, बच्चे रेस्टलेस होते हैं, बच्चे हाइपर होते हैं, चीजों को भूल जाते हैं, वो खेल में लग जाते हैं। तो बच्चों को भी कैसे समझाएं, छोटे से एग्जांपल से हम उन्हें ये कह सकते हैं, बेटा जैसे हम बाहर जाते समय कपड़े पहनते हैं, जैसे कपड़ा पहनना जरूरी है, बॉडी को कवर करना जरूरी है, ऐसे ही फेस को भी कवर करना जरूरी है। फैशन के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली, चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली हमारे जो रूल्स हैं वो बदलते हैं। तो हमेशा याद रखो, जैसे ही आपने कपड़े पहने, आपने मास्क भी पहनना है। देखिए, छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बहुत, तो कोरोना संक्रमण से बच्चे भी अछूते नहीं हैं, और बड़ी बात ये भी है कि बच्चे, क्योंकि उनमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो वो दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं, और ये अपने आप में गंभीर बात हो सकती है। और इसी को लेकर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अब नीलम मोहन जी, जैसा कि आप इससे पहले भी कह रही थी कि बच्चों में ये पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर बच्चों को दिक्कतें क्या हो रही हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप समझाइएगा कि कैसे समझें कि बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं या फिर उनमें वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार, मौसम बदलता है तो बच्चों में दिक्कतें होती। राइट, कहा जाता है कि जब आपको पैंडेमिक हो और एपिडेमिक हो उस कंट्री में, तो जो भी सिम्टम्स रिलेटेड टू दैट वायरस होते हैं, तो आपको पहले उसी का सोचना होता है। दैट मीन्स अगर एक पैंडेमिक में बच्चे को बुखार और गला जुकाम खांसी, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वायरल है। तो अभी तक तो बहुत आसान था, मौसम अच्छा था और पहचानने में प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे बारिश का सीजन आ जाएगा तब तक प्रॉब्लम होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पीक अब नीचे जा रही है, बट स्टिल 2.5 लाख बहुत बड़ी है। फर्स्ट वेव में तो हम सिर्फ 1 लाख गए थे, अभी तो हम स्टिल 2.5 लाख पे भी खुश हो रहे हैं कि 2.5 लाख न्यू केसेस है, क्योंकि हमने 4.25 लाख तक देखे हैं चार, तो इसलिए हमें अब ये कम लग रहा है। और दूसरा, उनकी सिम्टम्स में जो मैंने देखा है, पेट दर्द इज वेरी सिवियर और काफ़ी दिन तक चलता है। दूसरे जो सिम्टम्स से बच्चे आ रहे हैं वो यही है जो पहले दोहराया था, दैट सोर थ्रोट, गले में कुछ खराश, बुखार। या मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एक नज़र होता है, कोई कहता है कि ग्लास आधा खाली है और कोई कहता है ग्लास आधा भरा है, दोनों ही अपनी तरफ से सही है, आपका नज़रअंदाज है। जो हम भूल रहे हैं, मॉर्बिडिटी एक वर्ड होती है अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं दुख तकलीफ, और एक होती है मोर्टैलिटी जिसे हम कहते हैं मौत। तो बात सिर्फ मौत की नहीं, बात दुख तकलीफ की भी है कि हम चाह रहे हैं, अगर आप अभी जो बिजनेस स्टैंडर्ड May 12th USA का पेपर खोल के देखें, उसमें क्लियरली हेडलाइंस हैं दैट USA इज गेटिंग वरीड अबाउट कोविड इन टीन्स एंड यंग चिल्ड्रेन, क्योंकि अभी आफ्टर उनकी वैक्सीनेशन जो मैक्सिमम देखा जा रहा है
उनके पास यूके स्ट्रेन है 60% नाउ B117, तो बच्चों में अभी वो ज़्यादा हो रही है। और जो एक स्टडी है सिर्फ 3 महीने मार्च से लेके अक्टूबर 2020 की जो यूएसए की स्टडी है उसमें 20,000 बच्चों में कि उन्होंने पिकअप रेट बताया था, 2,500 बच्चे उनके एडमिट थे जिसमें से उन्होंने 0.1%। तो मेरा ये कहना है कि मैं जो स्टैटिस्टिक्स देखती हूँ, जो हमारी रूरल है, हम यहाँ बैठे हैं अर्बन सिटी, अर्बन में तो फिर भी आपके पास फैसिलिटी है पीडियाट्रिक्स की। रूरल हेल्थ में एक सिंपल जो आपने और मैंने देखा था जैपनीज इंसेफेलाइटिस से कितनी मौत हो गई थी, क्योंकि बिहार में इतनी मौत हुई थी बच्चों की, सिर्फ हमें उनकी शुगर मॉनिटरिंग और टाइम से ग्लूकोज, ये छोटी चीज़ें नहीं दिए थे अगर आप याद रखें, और इतने 20,000 आंकड़े का बच्चों का मौत हुई थी। तो जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने कि एक ड्रिप लगाना, शुगर चेक करना, और मैक्सिमम इंडिया में सबसे ज़्यादा मौत किससे होती है बच्चों में अंडर 5 में, निमोनिया से होती है। तो जो हमारी फैसिलिटी है वो बहुत कमज़ोर है। जो हमारे आईसीयू का स्टेटस है, 1 लाख पॉपुलेशन के हमारे पास एवरेज इंडिया में less than 5 बेड्स होते हैं आईसीयू के। उसमें आप सोचें कि पीडियाट्रिक आईसीयू के कितने बेड्स हैं। तो मैं यही दोहराना चाह रही हूँ कि ज़रूर हमें तैयारी की ज़रूरत है। आप ये मत सोचें, मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप 99% सोचें कि ठीक है, मैं 1% सीवियरिटी ले रही हूँ, 10% भी नहीं ले रही हूँ, उस 1% में मैं 0.1% एडमिशन बोल रही हूँ और 0.01% मैं आईसीयू बोल रही हूँ। तो भी आप सोचो आंकड़ा, क्या हमारे पास ये फैसिलिटी है रूरल हेल्थ जो 60%। इसीलिए अगर एक्सपर्ट्स ऊपर बैठकर हमें ये सलाह दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से 3 तैयारी करनी है, क्या है तैयारी, तैयारी डॉक्टर्स के लिए एक SOP प्रोटोकॉल बनाए, सारे डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वो SOP फैलाया जाएगा, एजुकेशन पेरेंट्स के कैसे पहुँचाने, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन से आप ट्रीट करेंगे। हम जो मल्टी इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम बोल रहे हैं वो 0.1% यूके, यूएसए, इंडिया, तीनों जगह से यही स्टैटिस्टिक्स नहीं, बिल्कुल, तो उनको कैसे पहचाने, यही एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, रैपिड वैक्सीनेशन ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड है तो बच्चे बचेंगे, एंड जनरल SOP, ये हम कह रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कह रहे हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेस, टेक्नीशियन एंड ऑल, जहाँ उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग बच्चों को देने की करनी चाहिए, कोई गलत नहीं है अगर मैं ये मान लें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रही हैं, और ये तमाम चीज़ें वक्त रहते करनी होंगी, तीसरी लहर और उससे पहले की ये तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी। डॉक्टर एम सी मिश्रा, जो डॉक्टर नीलम भी कह रही थी कि 1% अगर चांस है तो वो भी तो खतरा बड़ा है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, बच्चे अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं तो वो सुपर स्प्रेडर तो बन ही सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कई मामलों में कि बच्चों को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि हम पहली वेव से निकले, बच्चों में हुआ, फिर दूसरी वेव में बच्चों में हुआ। मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूँ सबकी जानकारी के लिए। जो डॉक्टर नीलम कह रही हैं, बहुत विस्तार से उन्होंने सब कुछ बताया है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या कमियाँ हैं। बिल्कुल, वो सबको पता है वो कमियाँ हैं, और वो पूरी होना एकदम से और पेंडेमिक के दौरान संभव है वो, इसीलिए बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। जैसे उन्होंने भी कहा, हम लोग भी सब यही मान रहे हैं कि बचाव ही बच्चों का एक सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप देखें, 5 राज्यों में जिनमें सबसे अधिक केस शुरू में आए थे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, करीब 80,000 बच्चों में संक्रमण हुआ मार्च 1 से लेकर करीब 10 अप्रैल तक। और फिर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में लगभग 10,000 बच्चे थे जो अंडर 5 थे जिनमें ये संक्रमण पाया गया। छत्तीसगढ़ में ये 922 थे, कर्नाटक में इसी प्रकार से करीब 7,000 थे, और उत्तर प्रदेश में करीब 3,000 थे जिसमें से 471 बजे, जो भी जो आंकड़े हैं ये, इससे ज़्यादा बिल्कुल हो सकते हैं आंकड़े तो। और दिल्ली में यही जो आंकड़ा था वो
करीब 3000 और 400 का था, लेकिन सबसे अच्छी बात सभी जगह से जो रिपोर्ट थी जो सबसे अच्छा बताया कि बच्चों में करीब वायरस का माइल्ड इलनेस हुई सभी में, ज्यादातर में। सो मोस्ट चिल्ड्रन एक्चुअली डिड नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड वेरी ओकेजनली समबडी डाइड ऑफ द डिजीज, दे डिड डाई बट वेरी ओकेजनली। और कुछ लोगों में एक कंडीशन होती है बच्चों में जो सीवियर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, उसको टर्म दिया है बच्चों के स्पेशलिस्ट लोगों ने। तो इसलिए जो हम लोग यहाँ आपके माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, बच्चे बिल्कुल घर में अपना जो उनके नाना नानी है, दादा दादी हैं, उनको संक्रमण दे सकते हैं। इसीलिए अब जो पहले हमारा 45 प्लस एज ग्रुप में टीकाकरण हुआ उसमें होपफुली ज़्यादातर नाना नानी दादी बाबा को हो गया होगा टीकाकरण, और पेरेंट्स भी अपना आप करा लें 45 वर्ष से ऊपर और 18 से 44। जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन होता जाएगा मैं समझता हूँ बच्चों में, उनके टीचर्स का हो जाएगा स्कूल्स में, क्योंकि अभी स्कूल खोलने की तो कोई बात है ही नहीं। ये तो अब हम देखेंगे जुलाई अगस्त में कि किस तरह से ये पैंडेमिक करवट लेता है, तभी इसमें हम इसको कुछ कह पाएंगे। और जैसे बॉम्बे मुंबई से भी जो रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ बच्चे आए, उन्होंने कुछ बच्चे आए, बहुत ज़्यादा नहीं थे, विद एब्डोमिनल पेन, सीवियर डायरिया। और फिर मैं यही दोहराऊंगा जो GI सिम्टम्स हैं वो एक तरह का मैं समझता हूँ पॉजिटिव एक मैसेज देते हैं कि उनमें गंभीरता नहीं होती कोविड की। ये बड़ों में भी देखा गया है, ऑब्जर्वेशन है ये, और ये बच्चों में भी यही देखा गया है। तो इसलिए बच्चों को बचाना तो प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत है, और अभी 12 वर्ष से नीचे तो अभी शायद टीका अभी नहीं आएगा, 12 के ऊपर टीका आ जाएगा लेकिन 12 से नीचे का अभी टीकाकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए उनको बचाना और महत्वपूर्ण है, इसलिए स्कूल्स वगैरह को अभी प्री मेच्योरली नहीं खोलना चाहिए, जिस प्रकार हम लोगों ने सितंबर में भी मना किया था और जैसे ही खुले फिर संक्रमण बढ़ गए। तो इसलिए हमें बच्चों पर इसी प्रकार से ध्यान देना होगा जैसे अब तक दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर में भी अच्छी बात जो रही कि बच्चों में हुआ ज़रूर लेकिन जो गंभीर बीमारी नहीं हुई। तो ये हम लोगों को यही पॉलिसी आगे भी चलानी पड़ेगी, और जितनी भी तैयारी, देखिए तैयारी जितनी कर लें उतनी कम है, क्योंकि कभी भी पर्याप्त नहीं होगी पैंडेमिक में। तैयारी जितनी कर ली जाए उतना ही हमें आगे आसानी हो जाएगी। तो इसलिए ये जो तीसरी लहर की बात सरकार ने कही है, ये लोगों को यही दिखाने के लिए कही है कि आप लोग जनवरी फरवरी जैसा व्यवहार ना शुरू कर दें। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बराबर चलते रहना है बिना किसी कोताही के, बिना किसी लापरवाही के, और टीकाकरण अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे से आगे आके खुद भी अब टीका और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, क्योंकि सावधानी के साथ साथ वैक्सीनेशन भी, अब क्योंकि सतर्क आपको रहना है तो ये तमाम बातें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। डॉक्टर गीतांजलि, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नीलम आप शायद कुछ कहना चाह रही थी बीच में। मैं शायद भूल गई किस बात पे मैं कमेंट देना चाह रही थी, बट यही एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि दैट बाद में उदास होना और ये तैयारी में कोई एक्सपेंसिव पैसे की बात नहीं, इट इज़ माइंड में आपकी प्लानिंग होती है किसी चीज़ को, किसी वॉर को, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। पहली बार हमसे भूल हुई, सेकंड टाइम जो भूल हुई, अब हम ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि हमारी गलती से सेकंड वेव आई, जिसे हम सोचे नहीं थे कि इतनी बुरी तरीके से अटैक होएगी। और इसीलिए हम बाहर देशों की एक्सपीरियंस, हाँ मुझे याद है मैं जो कहना चाह रही थी कि जो म्यूटेंट है वायरस का, वायरस हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। जो उसने ये टाइम 60% म्यूटेंट किया इंडिया में और यूके में, ब्राज़ील में, जो म्यूटेंट किया उससे उसकी स्प्रेड लिटरली 10-20 टाइम्स बढ़ी, तो वो भी स्मार्ट अपने आप को बढ़ी। तो उसी तरीके से अब हम तैयारी ये कर रहे हैं कि अगर जैसे ये USA में 12th का पेपर, मैंने आपको बिजनेस स्टैंडर्ड्स बताया, नेक्स्ट अगर आपके पास ये पता चले कि ये म्यूटेंट हुआ तो बच्चों को मिले, तो मेरा यही कहना है कि ये हमें डर है कि मोर ससेप्टेबल पॉपुलेशन आफ्टर वैक्सीनेशन विल बी लेस देन 18 इयर्स, और ये वायरस शायद उस पर अटैक मारे। तो क्योंकि वो उस पर अटैक मारेगी, हम स्मार्ट होके उनको किस तरीके से बचाए ये सोचें। ठीक है, हाँ डॉक्टर गीतांजलि बताइए। हाँ देखिए, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी।
कि बच्चे पेरेंट्स को लुकअप करते हैं फॉर देयर सेफ्टी एंड फॉर देयर सिक्योरिटी. पेरेंट्स आर लाइक कैप्टन ऑफ द शिप. तो पेरेंट्स का बिहेवियर पहले कोविड अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि डॉक्टर नीलम और डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जनवरी फरवरी में हमारा बिहेवियर भी इनअप्रोप्रिएट हो गया था. पार्टीज़ में जा रहे थे, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ हो रही थी और लोगों की किटी पार्टीज़, अदरवाइज इवेंट्स हो रहे थे, वेडिंग्स हो रहे थे. तो बच्चों को हम खुद ही कन्फ्यूज सिग्नल्स दे रहे हैं, हमारा ही बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है. तो हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जो घर पर हैं, डेस्परेट हैं और बाहर जाने के लिए उन्हें कोई भी मौका जो है उसे छोड़ नहीं है. तो पहली चीज, यू बी द रोल मॉडल. सेकंड चीज, बच्चों के लिए हम लाइफ में कितनी प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं, क्योंकि बाहर अनसर्टेनिटी है, अंदर हम कितनी सर्टेनिटी ला सकते हैं बाय मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर देम, जिसके अंदर पूरा मेंशन हो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने का टाइम क्या है, खेलने का टाइम क्या है, हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, डाइट के अंदर कैसे ध्यान रखना है, गागल्स का टाइम कब है, स्टीमिंग का टाइम कब है, बात करने का टाइम कब है, मील का टाइम कब है, खेलने का टाइम कब है, और कैसे जो आप डेली बेसिस पे उनसे रीइंफोर्स करें. लिखकर अगर आप एक टाइम टेबल और कुछ चीज़ें टांग देंगे, बच्चे उससे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि स्कूल में वो कंडीशन हो चुके हैं कि लिखकर सीखना या पढ़ के सीखना. तो अगर कहीं पे हम प्रोटोकॉल एक लगा देंगे कि आपको हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है या घर से बाहर नहीं जाना है, मास्क पहनना है और क्या क्या चीज़ें कब कब करनी है, तो बच्चों के लिए वो रिमाइंडर रहता है थ्रू आउट द डे, उनके रूम में लगा है, बाथरूम में लगा है या क्लोजेट में लगा है. एक और इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों को होप देना, कि बच्चों को ये समझाना कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये परमानेंट नहीं है, ताकि बच्चे होपफुल हो और इनसिक्योर ना हो कि ये इनडेफिनेट सिचुएशन है, पता नहीं कब खत्म होगी और क्या होगा. जैसे मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया, बच्चों के साथ डेली डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो क्या इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनके फियर्स को समझना, उनकी एंग्जाइटी को समझना, उनके क्वेश्चंस को समझना, ताकि कल को जब बच्चे बड़े हों, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा चाइल्डहुड वाज द बेस्ट टाइम, तो बच्चे भी ये कह सकें कि चाइल्डहुड वाज देयर बेस्ट टाइम. मैंने कहा था कि बच्चों में डर नहीं पैदा करना है, खौफ नहीं पैदा करना, उनमें वो समझ पैदा करनी है ताकि वो भी आपका साथ दे सकें. ठीक है, मेरे पास टाइम इतना ही था. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए. धन्यवाद आप सभी का. प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर. डाउनलोड इट नाउ.